फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड चलिए फटाफट माय चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, और ताकि आप लोग को इजी से नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आप नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। फ्रेंड्स तो चलिए मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट तो बना चुकी हूँ, जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं मेरे फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें। और आज मैं सिंथेसिस के सेकेंड पार्ट्स लेकर के उपस्थित हूँ, और ये लास्ट पार्ट भी है और इजी से समझ में आ जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन बेस समझ लेंगे आप लोग। तो चलिए मैं आज जो पॉइंट है मेरी उस पर डिस्कशन करती हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरा फर्स्ट रूल तो हम सिंपल उसमें बता ही चुके थे, हमारा ये दूसरा रूल में है फ्रेंड्स की सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे उसको हाउ टू कन्वर्ट फ्रेंड्स, तो बाई यूजिंग कम्युलेटिव्स कंजेक्शंस, जो जोड़ बताने वाले होते हैं। जैसे देखेंगे एज में फ्रेंड्स, जैसे में कौन सा जोड़ बताने वाला कंजेक्शन है फ्रेंड्स, एंड है, एज वेल एज है, बोथ है, डॉट 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 एंड नॉट ओनली बट डॉट 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 बट आल्सो और बट है फ्रेंड्स। देखेंगे हम एक एग्जाम्पल से कैसे इसमें जोड़ को बता रहा है फ्रेंड्स। दो सेंटेंस रहेंगे, दोनों को एक में जोड़ेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा। ये सेपरेट सेंटेंस, जो दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उसे सेपरेट सेंटेंस कहेंगे, जो अगर जोड़ दिए जाएंगे दोनों सेंटेंस तो उसे कंबाइंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, राम रीच्ड द स्टेशन ही बॉट अ टिकट। ठीक है, तो अब इसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे राम रीच्ड द स्टेशन पहले सेंटेंस तो पूरे उतार लेंगे फ्रेंड्स, अब उसमें देखेंगे और क्या किया, पहले उसके भाव को समझेंगे तब जोड़ेंगे, और क्या खरीदा, टिकट। ठीक है, तो यहाँ पे राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है, इसलिए राम हम यहाँ लिख रहे हैं तो ही नहीं लिखेंगे, एंड बॉट अ टिकट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल उसी बेस पर। ठीक है, रूल पर तो देखें यहाँ पर दिया है कि विमल वाज पनिश्ड, दूसरा सेंटेंस बन जाएगा विमल वाज फाइंड, विमल जो है, अब देखिए यहाँ पे कि विमल जो है उसको दंड दिया गया, फिर भी हुआ क्या है, फाइंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिमल वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, अथवा करके दूसरे कंजक्शन पे यूज करेंगे तो बिमल वाज नॉट याल्सो पनिश्ड बट याल्सो फाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अंडरस्टूड वेरी इजी। नेक्स्ट हम दूसरे सेकंड रूल पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि बाय यूजिंग अल्टरनेटिव्स कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जैसे चॉइस टू ऑप्शन, जैसे विकल्प चुनने वाला कंजेक्शन होता है, जैसे आर नाइदर नार। ठीक है, आइदर आर, नाइदर के साथ नार का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नेगेटिविटी को दर्शाता है फ्रेंड्स, और आइदर के साथ आर का प्रयोग करेंगे पॉजिटिविटी को दर्शाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अदरवाइज ठीक है, देखते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हमारा बनता है कि पहला सेंटेंस बन रहा है मेक हॉश। ठीक है, सेकेंड बन रहा है कि यू विल मिस द ट्रेन, तो आप कंबाइंड सेंटेंस करेंगे मेक हॉर्स, पहले सेंटेंस को उतार लिए। ठीक है, वही प्रक्रिया जो इसमें किए थे, तो इसमें भी वही प्रक्रिया, पहले सेंटेंस को उतार लिए, आर यू विल मिस द ट्रेन, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सेंटेंस को कंबाइंड कर देना है, जिसमें विकल्प चुनने वाला है सेंटेंस बस उससे जोड़ देना है। ठीक है, दूसरा अथवा करके दिया है कि मेक हॉर्स आर यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड थर्ड रूल पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखेंगे कि बाय यूजिंग अबस्ट्रेटिव कंजेक्शन, जैसे देखेंगे एज में अबस्ट्रेटिव कंजेक्शन फ्रेंड्स क्या है कि वेट है, बट स्टिल और हाउ इवर विल। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर दिया है यहाँ पर देखिए सुदामा इज ए पुअर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बन रहा है कि सुदामा इज होनेस्ट, सुदामा क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है वह, ईमानदार है, फिर भी वह क्या है, ईमानदार, कुछ भी कंजेक्शन जैसे इसमें से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जोड़ेंगे, कंबाइंड सेंटेंस करेंगे सुदामा इज पुअर बट ही इज होनेस्ट, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। यहां पर फिर भी का प्रयोग किया गया, आई होप अंडरस्टूड फ्रेंड। ठीक है, बाई यूजिंग अल्टरेटिव कंजेक्शन, जैसे परिणाम बताने वाले कंजेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, देयर फार सो फार। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, आई एम इल। ठीक है, आई एम इल, नेक्स्ट है आई कैन नॉट गो टू द कॉलेज, मैं बीमार हूँ और मैं कॉलेज नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देयर फार से सेंटेंस को बस बिल्कुल जोड़ देंगे, कंबाइंड करेंगे, आई एम इल देयर फार आई कैन नॉट गो
टू द स्कूल, फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर सो से भी जोड़ेंगे सेम। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको थोड़ा से पहले सेंटेंस को स्टार्ट में लास्ट में रखेंगे, उसको ऐसे करेंगे, फार से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, प्रयोग करेंगे तीसरा। ठीक है, इसमें तीन है ही, एक सिंपल था, एक दूसरा जो है कंपाउंड था, तीसरा कम्प्लेक्स था। ठीक है, आज कम्प्लेक्स की हम तीसरे पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस इंटू अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच लगभग इसमें होती हैं सब, जैसे देखेंगे यूजिंग बाय नाउंस क्लास। ठीक है, इसमें देखिए इफ दैट व्हाट हु वेयर का प्रयोग करते हैं, इसमें कंबाइंड करेंगे सेंटेंस से। ठीक, एज में देखिए यहाँ पर दिया है कि विमल मे बी डिसऑनेस्ट, सेकेंड सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट से। ठीक, मैं कह नहीं, विमल क्या है, डिसऑनेस्ट हो सकती है, मैं कह नहीं सकती। ठीक, तो यहाँ पर आई कैन नॉट से इफ विमल इज डिसऑनेस्ट कि मतलब मैं कह नहीं सकती यदि विमल डिसऑनेस्ट है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल, आई होप कि अंडरस्टूड आप लोग समझ लेंगे। आ जाएंगे सेकेंड रूल पे, बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स क्लास वर्ड यूजिंग, इसमें देखेंगे विच व्हेन व्हाई वेयर सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे दिया है कि माधुरी इज वीपिंग फॉर सम रीजन्स, नो बडी नॉन एज रीजन्स। ठीक है, अब सेंटेंस को जोड़ेंगे कि नो बडी पहले लास्ट सेकेंड सेंटेंस को पहले लिख लेंगे। ठीक है, माधुरी इज वीपिंग, तो फर्स्ट में रीजन तो हम लिख ही लिए हैं, तीसरे रीजन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या रीजन है। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स हमारा दूसरा बन रहा है कि व्हेन डज द ट्रेन अराइव्ड, आई डू नॉट नो द टाइम्स, इसको कंबाइंड करेंगे फ्रेंड्स व्हेन से कर देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट एक लगेगा इसमें, देखिए कि आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे तीसरे पे, तीसरे पे फ्रेंड्स आ जाएंगे कि बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे दो विकास एज इफ एज सून एज अनलेस सो दैट ईटीसी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल ही फेल्ड ही डिड नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, वह फेल है क्योंकि कठिन परिश्रम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे विकास से जोड़ेंगे सेंटेंस को, ही फेल्ड बिकम ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक, सेंटेंस कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे आ जाएंगे दूसरा एग्जांपल, आप आई होप अंडरस्टूड देख करके मिला लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए एक है कि विमल कम टू मे हाउस आई वॉज नॉट एट होम, तो इसको पहले लगाएंगे कि जब विमल कहाँ पर घर पर आई, मेरे घर पर आई तो मैं घर पर नहीं थी। ठीक है, तो आई होप अंडरस्टूड फ्रेंड, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इसी तरह से मैं लेकर के आते रहूंगी। लाइक करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या इसमें प्रॉब्लम त्रुटि है, प्लीज।